जय माता दी मित्रों, मेरा नाम है पंडित प्रकाश जोशी और स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो। आज मित्रों आज हम चर्चा करेंगे फरवरी 2020 यानी फैब 2020 के राशिफल के बारे में। और राशिफल जानने से पहले मित्रों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें सबसे पहला चीज़, और नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर दबा दें। मित्रों आज हम चर्चा करेंगे फरवरी में 12 राशियों का क्या हाल होने वाला है, कैसी रहेगी उनकी धन की स्थिति, परिवार की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति और उनके कार्य की स्थिति, इस बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले फरवरी के व्रत और त्यौहार के बारे में मित्रों जान लेते हैं। पहला 5 फरवरी को मित्रों जय एकादशी है, 6 फरवरी को प्रदोष व्रत है, 9 फरवरी को माघ पूर्णिमा है और 12 फरवरी को संकष्टि चतुर्थी है और 13 फरवरी को सूर्य महाराज कुंभ राशि में जाएंगे। 19 फरवरी को देखा जाए तो विजया एकादशी है, 20 फरवरी को प्रदोष व्रत है, 21 फरवरी को महाशिवरात्रि मासिक है और 23 फरवरी को अमावस्या है। साथ ही साथ ग्रह गोचर के बारे में भी बात कर लेते हैं कि फरवरी में कौन कौन से ग्रहों का गोचर है। सबसे पहला गोचर फरवरी के अंदर 7 फरवरी को मंगल देव जा रहे हैं धनु राशि के अंदर सबसे पहला। उसके बाद आपका एक और ग्रह जा रहा है, वो है आपका शुक्र ग्रह, वो मीन राशि में जा रहा है, वो भी 3 फरवरी को, दो ग्रह हो गए। तीसरा जो है 13 फरवरी को सूर्य जो है कुंभ राशि में जा रहे हैं और चौथी की बात करें तो चौथा जो है आपका 17 फरवरी को बुध देव वक्री हो रहे हैं। तो ये था आपका मासिक कैलेंडर और फरवरी का ग्रह गोचर। अब बात कर लेते हैं राशियों के बारे में जिसका आप महीने भर इंतज़ार करते हैं। चलिए राशियों की बात करते हैं जी। अब बात कर लेते हैं मित्रों कर्क राशि के ग्रह गोचर के ऊपर। देखिए फरवरी के महीने में देखा जाए तो पंचम भाव में मंगल विराजमान है, छठे भाव में सूर्य के साथ में केतु विराजमान है, सप्तम भाव में सूर्य और शनि विराजमान है और अष्टम भाव में शुक्र और बुध विराजमान है और द्वादश भाव में मित्रों राहु विराजमान है। अब जान लेते हैं कि फरवरी में कर्क राशि वाले जातक और जातिकाओं के पहले स्वास्थ्य की स्थिति। तो स्वास्थ्य काफ़ी बेहतर रहने वाला है, स्वास्थ्य में आप बड़ा एनर्जेटिक फील करने वाले, मंत्र उपचार पूजा पाठ आप करेंगे पूरे फरवरी के महीने में और अपने आप को एनर्जाइज करेंगे और आप फरवरी के महीने में शिव भगवान के बड़े क्लोज हो जाने वाले हैं, ऐसा योग आ रहा है। साथ ही साथ फरवरी के महीने में थोड़ा सा कर्क राशि वालों को ENT की समस्या रहेगी, हल्की फुल्की रहेगी, 5-7 दिन रहेगी लेकिन रहेगी। धन की बात कर ले तो धन की अगर बात करें तो कर्क राशि वाले जातक और जातिकाओं का रुका हुआ धन या फरवरी के महीने में किसी ने पैसा देने का वादा किया है, फरवरी के महीने में आपका कोई पैसा आ रहा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं सूर्य और शनि एक साथ होने से फरवरी का महीना कहीं ना कहीं धन के लिए अपनों से ही लड़ाई करने वाला है, यानी कि धन के लिए आपका अपने परिवार, अपने भाई बंध, अपने मित्रों से लड़ाई होगी पहली चीज़। दूसरी चीज़ धन आपको फरवरी के महीने में तड़पा तड़पा के मिलेगा, मिलेगा तो सही लेकिन धन प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा तनाव रहेगा। साथ ही साथ विद्या की अगर बात कर ले, विद्यार्थियों की बात कर ले तो विद्यार्थियों के लिए कर्क राशि वाले विद्यार्थियों के लिए आपका फरवरी का महीना बहुत बढ़िया रहने वाला है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं मित्रों, और ख़ासकर अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड सेक्टरों की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है फरवरी का महीना। और अब संतान की बात कर लेते हैं तो कर्क राशि वाले जातक और जातिकाओं के संतान की बात करें तो संतान सुख फरवरी के महीने में बहुत अच्छा नहीं बन रहा है। संतान को थोड़ा सा हो सकता है छोटी मोटी चोट लग जाए, छोटा मोटा उनको बुखार की समस्या आ जाए, तो छोटा मोटा बीमारी के योग, 5-7 दिन बीमार रहने के संतान के एक तो योग बन रहे हैं। योग का जो समय है मित्रों वो 8 तारीख से 18 तारीख के बीच में है, पहला चीज़ें बताऊं। दूसरा संतान से वाद विवाद और मनमुटाव होगा, जिनकी भी संतान 18 साल से ऊपर है तो उनका पेरेंट्स और बच्चों के बीच में मनमुटाव होने के योग बन रहे हैं।
दाम्पत्य जीवन की बात कर ले तो दाम्पत्य जीवन में तो सूर्य और शनि साक्षात बैठे हुए हैं, तो कर्क राशि वाले जातक और जातिकाओं को मैं यही कहूँगा कि फरवरी के महीने में अपने पति अपने पार्टनर से बिल्कुल लड़ाई ना करें, नहीं तो स्थिति बहुत आग में घी डालने वाला आप काम करोगे, क्योंकि सूर्य और शनि सप्तम भाव में बैठे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, पति पत्नी के अंदर होगा बहुत ज़्यादा लड़ाई, जिससे कि बात बहुत बढ़ सकती है। तो दाम्पत्य जीवन के लिए, पार्टनरों के लिए, प्रेमी जोड़े के लिए फरवरी का महीना कर्क राशि वाले जातक और जातिकाओं के लिए बहुत भारी है। काम की अगर बात करें तो काम के लिए, काम के स्वामी है मंगल, और मंगल जो है पंचम भाव में बैठे हैं, राजयोग बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं काम के लिए तो बहुत अच्छी स्थिति है। काम में आप जो पिछले 3 महीने से परेशान थे, आप अपना डिपार्टमेंट चेंज करना चाहते थे, आप अपना जो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, आप चाह रहे थे कि जिस डिपार्टमेंट में मुझे रखा है उससे मेरा चेंज हो जाए, तो फरवरी का महीना आपके लिए बड़ा शुभ है, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट चेंज होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। व्यापारियों के लिए बात करें तो व्यापारियों के लिए भी जो धनिक से रिलेटेड ये जो फरवरी का महीना है बहुत शुभ रहने वाला है। आपका काम धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, काफ़ी अच्छी स्थिति में आपका काम हो जाने वाला है। तो ये था कर्क राशि वालों का फरवरी का राशिफल। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी मित्रों।